अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया। वीडी शर्मा ने कहा कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। मैं अमरवाड़ा विधानसभा की जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आपका एक मत अमरवाड़ा के विकास को सुनिश्चित करेगा। वीडी शर्मा ने बुधनी और विजयपुर को लेकर कहा कि चुनाव आयोग तिथि निर्णय करेगा। हमारी तैयारी पहले से ही रहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। वही कांग्रेस के संघ जैसे काम करने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पीढ़ियां निकल जाती हैं, कहने से कुछ नहीं होता। संघ ने इस देश के लिए, समाज के लिए कितना बलिदान और क्या भूमिका निभाई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार से कांग्रेस यह पूछ ले, यह शब्द कहना बेईमानी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गलत शपथ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस मैदान छोड़कर भाग रही है, इसलिए सिर्फ वह शिकायत कर सकते हैं। पद्धति के आधार पर तब खड़ा होता है, पीढ़ियां निकल जाती है। ये कह देना कि कौन किसके तर्ज पर काम करेगा, यह आसान नहीं है। लाखों लोग अपना जीवन लगा देते हैं, संघ की तरफ थोड़ा देख तो लें आकर के, तो समझना है कि संघ ने इस देश के लिए, समाज के लिए कितना बलिदान और कितनी भूमिका और कितना त्याग और समर्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश के लिए किया है, उसके अपने कार्यकर्ताओं ने किया है। इसलिए ऐसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं का श्रम, मेहनत, समर्पण होता है, तब जा कर के संगठन खड़ा होता है। तो इसलिए वो सब तर्ज पर काम करेंगे। पहले राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, गांधी परिवार को जरा पूछ तो लें वो जो ये काम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि संघ तो राष्ट्रवादी विचार पर, और संघ ने तो राम मंदिर का आंदोलन चलाया, वो तो राम मंदिर के आंदोलन को ही जीत रहे हैं। तो ये तो बेईमानी है शब्द कहना।